वहीं एसपीएस अरुण मिश्रा को गृह विभाग से बड़ा झटका मिला है। आईपीएस कैडर के लिए दिए प्रेजेंटेशन को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अरुण मिश्रा ने दिया था रिप्रेजेंटेशन। अरुण मिश्रा पर है 7 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का आरोप। गृह विभाग ने सीडीबीटी और आयकर विभाग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अमृतांशी जोशी हमारे साथ लगातार संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अमृतांशी, तो ये गृह विभाग से बड़ा झटका एसपीएस अरुण मिश्रा को। देखिए, हर साल आईपीएस कैडर के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रमोशन मिलता है, अलग अलग समय होता है उनका प्रमोशन मिलने का। लेकिन यहाँ पर जो अरुण मिश्रा ने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी वो पूरी तरीके से गृह विभाग ने खारिज कर दी है। उसके पीछे की वजह यह है कि 7.5 करोड़ की लेन देन का मामला कमलनाथ की सरकार के दौरान सामने आया था और इसी कारण जो है गृह विभाग ने पूरी जाँच पड़ताल की और उनके प्रेजेंटेशन को जो है खारिज कर दिया। देखिए, हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा यहाँ पर जो है अरुण मिश्रा ने खटखटाया था कि जो भी अधिकारी जिनको प्रमोशन मिल रहा है उसमें उनका भी नाम होना चाहिए क्योंकि वो इसकी काबिलियत रखते हैं, इसको लेकर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। लेकिन हाईकोर्ट से और यहाँ पर गृह विभाग से जो है एक बड़ा झटका मिला है, उनके प्रेजेंटेशन को खारिज कर दिया गया है और फिलहाल उनका प्रमोशन रोक दिया गया है। तो बाकी जो उनके साथ के कैडर के अधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से प्रमोशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उनकी प्रमोशन को रोक दिया गया है। तो गृह विभाग की तरफ से एक ये बड़ा झटका है और अरुण मिश्रा फिलहाल जो है वो परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी परेशानी उनके सामने ये खड़ी हो रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो तो आगे इससे बढ़ेंगे, प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उनका जो प्रमोशन है वो फिलहाल रोक दिया गया है। अब ये देखना होगा कि गृह मंत्रालय इसको लेकर क्या कुछ चीज़ें साफ करता है, क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है, क्या एक पर्टिकुलर वजह दी जाती है इसको लेकर। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो प्रमोशन से वंचित रहने वाले हैं और उनका जो है प्रमोशन से उनको हाथ धो बैठना पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।